मोइन बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है, आज की सुनवाई में क्या क्या रहेगा सिलसिलेवार और विस्तार से दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, ये सुनवाई दोपहर करीब 12 बजे सुनवाई शुरू होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होनी है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखा जाएगा। सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बातें रखेंगे। पिछली सुनवाई जो कि 11 मई को हुई थी, उस दौरान कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए थे उस पर किस तरीके का अनुपालन किया गया, सबसे पहले वो रिपोर्ट दी जाएगी। इसके साथ साथ सबसे अहम बात जो होगी कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है उसकी रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी जानकारी सरकार की तरफ से कोर्ट को दी जाएगी। कई और अहम बिंदु भी हैं। पिछली सुनवाई जो कि 11 मई को हुई थी उसमें कोर्ट ने तीन अहम बातें की थी। सबसे पहली ये थी कि ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के इंतजाम किए जा रहे हैं वो कोर्ट को बताना होगा। इसके साथ साथ जो है वो जो पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान मौत का शिकार हुए जिन शिक्षकों और कर्मचारियों को मुआवजा दिया गया था, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 30 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया था, उस बारे में कोर्ट ने सरकार को कहा था कि यह नाकाफी है, इस रकम को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया जाए। और तीसरी अहम बात यह थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रहे जस्टिस वीके श्रीवास्तव की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर जांच कराने के आदेश दिए थे। तो हाईकोर्ट के निर्देश पर, हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने ये कमेटी गठित कर दी है, कमेटी ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है, तो उस बारे में जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी वो कोर्ट को सौंपी जाएगी। पिछली बार कोर्ट ने एक और अहम बात कही थी कि ग्रामीण इलाकों में संक्रमण की रोकथाम के लिए हर जिले में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की जाए जो कि पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करें मामलों की और जो सुझाव आए उन सुझावों पर अमल करें, जो शिकायतें आए संबंधित अधिकारियों को उन शिकायतों को दूर करने के लिए कहे। लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि ग्रामीण इलाकों में रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया। ये सुनवाई आप बता रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है और ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष तौर पर फोकस रहने वाला है।